दुनिया भर के बाजारों के साथ साथ भारत में भी कोरोना ने ताले लगा दिए हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3 लग गया और अब लॉकडाउन 4 को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। जहान से पहले जान बचाने के लिए सरकार के पास और कोई रास्ता था भी नहीं। इस लॉकडाउन से जान का नुकसान तो सीमित है, लेकिन कोरोना दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर जमकर कहर बरपा रहा है। रोजगार, काम धंधों, बाजारों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना अब मुश्किल नजर आ रहा है। काम ठप पड़ने से लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक मजदूरों के पलायन से ही अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बेरोजगारी अभी तक के उच्चतम स्तर पर है। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो जनवरी में मामूली बढ़त के साथ 7.16% तक पहुंच गई थी। फरवरी में यह आंकड़ा 7.78% था, मार्च में 8.74% पहुंच गया। लेकिन लॉकडाउन ने बाजार की हालत खस्ता कर दी है और अप्रैल में बेरोजगारी की दर 23.52% पहुंच गई है, जो कि जनवरी से 3 गुना से भी ज्यादा है। अब जब रोजगार ही नहीं बचेंगे तो कैसे सामान बिकेगा, और सामान बिकेगा नहीं तो बनेगा क्यों? वैसे तो पलायन करने वालों के लिए इन सवालों के कोई मायने नहीं है, लेकिन उन्हें शायद एहसास तक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान करते हैं, और शायद ये एहसास अब से पहले हर किसी को था भी नहीं। सर, परेशानी है कि काम भी बंद, कुछ नहीं हो रहा है। दिहाड़ी करते थे उधर, कमरे किराया भी चढ़ रहा था। अब जा रहे हैं, यहाँ क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, किराए पे रहते हैं। अब यहाँ पैसे वैसे है नहीं, तो अब हम जा रहे हैं। अरे 3 दिन से भूखे पड़े हैं, अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इसलिए गांव जा रहे, सरिया काम करते हैं। अब जब खपत ही ठप हो रही है, तो फिर कोरोना काल से पहले अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पर ले जाने की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही थी, उन पर भी पानी फिरना तय है। मार्च 2020 में 9 करोड़ 13 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना की वजह से करीब 1.82 करोड़ कारोबारियों का कारोबार चौपट हो गया है। करीब 1.70 करोड़ नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के ऐलान से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने 23 मार्च को एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और दूसरे बिजनेस चैंबर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। पीएम मोदी ने लोगों से अपने साथ काम करने वालों की मदद करने के लिए भी कहा था, लेकिन लगता नहीं कि कारोबार में हो रहे नुकसान की कीमत पर लोग मदद के लिए तैयार हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे। इस बीच नोमुरा ने 2020-21 के लिए विकास दर के अनुमान को -5.2% करके चिंताओं में इजाफा कर दिया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कोरोना से जीडीपी को 14 लाख करोड़ के प्रोडक्शन नुकसान की आशंका जताई गई थी। 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहने के आधार पर यह दावा किया गया था। उधर मुख्य आर्थिक सलाहकार भी साफ कर चुके हैं कि राहत पैकेज के नाम पर बड़ी उम्मीदें लगाना बेकार है। अमेरिका की जो उनकी जो करेंसी है वो डॉलर है, रिजर्व करेंसी है। सारे जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे बैंक सब डॉलर में रखते हैं, तो उनकी जो काबिलियत है खर्च करने की, वो हमारी काबिलियत में उनमें एक्चुअली उनका तुलना नहीं की जा सकती। और तुलना करते समय सही तुलना करें ताकि जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक हो। अब जिस तरह से सरकार 4.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज को देने की संभावना जता रही है, उससे लगता नहीं कि हालात में बहुत कुछ सुधार आएगा।